को ग्रीन सोसाइटी भिवानी ने विश्व पृथ्वी दिवस के अवसर पर घंटाघर के निकट स्वच्छ भिवानी स्वस्थ भिवानी का पोस्टर बनाकर भिवानी वासियों को समर्पित किया और भिवानी वासियों को साफ सफाई रखने का संदेश दिया। ग्रीन सोसाइटी अध्यक्ष डॉक्टर आनंद ने बताया कि पिछले 8 वर्षों से उनका उद्देश्य भिवानी को स्वच्छ रखना है। इस बारे में जानकारी देते हुए ग्रीन सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर आनंद ने बताया कि हर वर्ष 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, जिसके उपलक्ष्य में वे हर वर्ष जनता को पृथ्वी को सुरक्षित रखने का संदेश देते हैं। उन्होंने बताया कि 8 वर्ष पहले उन्हें भिवानी को स्वच्छ बनाने के लिए ग्रीन सोसाइटी की स्थापना की थी और पब्लिक स्थानों पर उन्होंने पौधे लगाकर साफ सफाई करते करके भिवानी को चमकाया है। रविवार को भी उन्होंने सर्कुलर रोड पर घंटाघर के निकट स्वच्छ भिवानी स्वस्थ भिवानी पोस्टर का उद्घाटन किया। इस अवसर पर सोसाइटी के सभी सदस्य व CMO डॉक्टर रणदीप पुनिया भी उपस्थित रहे। ये तो एक शुरुआत है, ये एक स्तंभ लगाना करना तो एक प्रेरणा की चीज़ है। काम तो रोड पे ज़्यादा करने पड़ेंगे और सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारी एक ग्रीन सोसाइटी जो भिवानी में डॉक्टर साहब और सभी साथियों के साथ जो काम कर रही है अब नॉर्मल है, बहुत ही बढ़िया काम कर रही है और शहर इसके साथ आए और लोग इसके साथ जुड़े, वो सबसे बड़ी चीज़ है। इसके साथ बोलना चाहिए कि ये स्वच्छता का जो काम है किसी एक ऑर्गेनाइजेशन करनी है या आदमी खुद का सेल्फ मोटिवेशन होना चाहिए। जो भी हम काम कर रहे हैं, चाहे घूम रहे हैं फिर रहे हैं, कोई चीज़ डाल रहे हैं रख रहे हैं, तो यदि कोई आदमी 20 आदमी मिलकर शहर को नहीं संवार सकते, बल्कि एक मोटिवेशन है, स्पिरिट है, वो जगानी पड़ेगी। और जो ये बनाया गया है, ये प्रेरणा के लिए बनाया गया है कि लोग जब भी कोई स्वच्छता को प्रधानता दें उसके ऊपर काम करें। स्थापना 2010 में हुई थी, आज हमारे को 8 साल हो गए हैं शहर को सजाते और संवारते। उसी श्रृंखला में ये छोटा सा एक बिंदु तैयार किया हमने। इस माध्यम से हम लोगों को अपील करना चाहते हैं कि आप भी इस मुहिम में जुड़ें, भिवानी को स्वच्छ रखें, भिवानी स्वस्थ रहेगी। आज विश्व पृथ्वी दिवस है, 22 अप्रैल 2018 को। इसी के साथ आज हम अपना एनुअल डे, ग्रीन सोसाइटी अपना वार्षिक उत्सव भी मनाने जा रही है शाम को नेकीराम लाइब्रेरी में। और इस माध्यम से, आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर व्यक्ति विशेष, आम से साधारण, साधारण से खास, जितने भी लोग हैं सब इस मुहिम में जुड़ें और शहर शहर को स्वच्छ व स्वस्थ बनाने में अपना योगदान दें। और इसके सार्थक परिणाम भी आप लोग देख रहे होंगे, घंटाघर से लेकर के पूरी सर्कुलर रोड, हांसी रोड, हमारे अस्पताल के आगे जो रोड है इस पर धीरे 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 इनके द्वारा जो पौधे लगाए गए हैं वो ग्रो करने लगे, बड़े बढ़ने लगे हैं और उससे शहर की सुंदरता तो बनती बनती है। आम आदमी को संदेश भी जाता है कि वो स्वस्थता रखे, क्योंकि साफ़ सुथरी और सुंदर जगह में कोई भी व्यक्ति अगर निकलता है तो उसको गंदगी डालने में हिचकिचाहट होती है। गंदी जगह में गंदगी डालने में हिचकिचाहट नहीं होती, साफ़ सुथरी जगह में अगर कोई गंदगी डालने की कोशिश करता है तो एक बार उसके मन में ज़रूर हिचकिचाहट होती है कि वो गंदगी ना डाले। हरियाणा प्रदेश की जनसंख्या में बढ़ रहा है बेटियों का अनुपात, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के आने लगे हैं अच्छे परिणाम, यह कहना है गांव तिगड़ा निवासी संदीप का। गौरतलब है कि उनके घर में लड़की के जन्म पर खुशी का ठिकाना नहीं रहा तथा ढोल नगाड़ों की थाप पर फेंकते हुए कुआ पूजन भी किया गया। वही लड़की के ताऊ ने बताया कि प्रत्येक घर में लड़की का होना आज अत्यंत आवश्यक है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा धीरे धीरे हर जगह अपनी पहचान बना रहा है। भाजपा सरकार ने बेटियों के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं शुरू कर रखी है। इस नारे को साकार बनाने के लिए गांव तिगड़ाना में एक अनूठी पहल की गई, जहां पर बेटी के जन्म पर ढोल नगाड़ों पर थिरकते हुए परिजनों ने बेटी का कुआ पूजन किया। वहीं बेटी के ताऊ संदीप ने बताया कि आज के जमाने में हम देख रहे हैं कि बेटियां किसी भी क्षेत्र में कम नहीं हैं। उन्होंने कहा कि हर घर में बेटी का होना इस बात का आभास करवाता है कि बेटियों की सुरक्षा और इज्जत करना समाज के लिए अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से घर में तुलसी का पौधा पूरे घर को खुशबू व खुशियां प्रदान करता है, उसी प्रकार से बेटी भी घर में अनेक खुशियां प्रदान करती है, वे किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। घर में बेटी होना जरूरी है, अगर हमारे घर में बेटी हम किसी बेटी इज्जत करेंगे तो घर में तुलसा बेटी होना जरूरी है। और हम ये संदेश देना चाहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बचाओ बेटी पढ़ाओ भारत सरकार को बहुत जरूरी है। अगर अपने घर में लड़की होगी ना तभी हम किसी दूसरी लड़की की इज्जत करना सीखेंगे। और मैं ये समझता हूँ लड़की की इज्जत से बड़ी कोई इज्जत है ही नहीं। मैं तुलसी का पौधा जरूरी होता है ना, वैसे भी घर में लड़की का होना भी अति आवश्यक है। आज के दिन लड़कियाँ किसी भी क्षेत्र में लड़कों से पीछे नहीं है, जहाँ भी कहीं भी आप देखेंगे, खेल में, पढ़ाई में, हर जगह पर लड़कियों का ही वर्चस्व कायम रहा है।
भिवानी के निकटवर्ती गांव पालुवास में अज्ञात कारणों की वजह से एक महिला ने जहरीला पदार्थ निगल लिया। आनंद फानन में परिजन उसे जिला सामान्य अस्पताल में लेकर पहुंचे, जहां पर उपचार के दौरान महिला ने दम तोड़ दिया। मामले की जानकारी देते हुए सदर थाने के सहायक निरीक्षक आनंद कुमार ने बताया कि गांव पालुवास में एक महिला ने जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया है, जिसे परिजन तुरंत जिला सामान्य अस्पताल में लेकर पहुंचे, जहां पर महिला ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। उन्होंने बताया कि मृतक महिला के भाई के बयानों के आधार पर मुकदमा दर्ज करते हुए पुलिस अपनी जाँच में जुट गई है। वहीं शव का पोस्टमार्टम करवा कर उसे परिजनों के हवाले कर दिया। इस लेडीज ने कल रात को जहरीली वस्तु खा ली और देवी गुप्ता हॉस्पिटल में इसकी मृत्यु हो गई। इसके भाई के बयान पर 174 CRPC कार्रवाई नियमानुसार हमले में लाई जा रही है। आगामी सूरत जैसी होगी कार्रवाई हमले में लाई। अब चलते चलते फिर से एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। वार्ता में दिया बड़ा बयान, एसवाईएल मुद्दे पर भाजपा व इनेलो पार्टी कर रही है अनाप शनाप बयानबाजी। ग्रीन सोसाइटी भिवानी ने पौधारोपण करते हुए मनाया विश्व पृथ्वी दिवस। बेटी के जन्म पर तिगड़ाना में किया गया कुआ पूजन, बेटी बचाओ का समाज को दिया संदेश। गांव पालुवास की महिला ने किया जहरीले पदार्थ का सेवन, सामान्य अस्पताल में तोड़ा दम। अब मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए आपका अपना मनपसंद चैनल भिवानी हलचल।